डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। एएमयू के लिए मुझे इतने रिक्वेस्ट आए हैं और मेरे मन में भी है कि आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन इतने सारे जगह मेरी एनर्जी गई है, सॉरी फॉर दिस, कि थोड़ी देरी से इसको ला रहा हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के पेपर, और मुझे पता है कि मेरे हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो CUET हो, DUET, UGC नेट, सब के लिए ये पेपर अच्छा है। इसमें एएमयू के पेपर मैं लाइक करता हूँ, थोड़े दिमाग से सेट की जाती है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन होते हैं गुड, जैसे HCU के क्वेश्चन होते हैं, CPET उड़ीसा उस लेवल के हैं, जामिया जैसे क्वेश्चन इसमें नहीं है। सो लेट अस बिगिन AMU MA पॉलिटिकल साइंस 2021 पेपर एनालिसिस। प्लीज अलाउ मी कि बहुत मैं तेजी से चलूं। एक मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरी एक नेचर है, हर आदमी में तो कुछ ना कुछ तो होती है कमी, मैं टिक मारने में एरर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाइए, मैं जो ऐसे टिक करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। एक दो जगह एरर होती है 100 क्वेश्चन में, लेकिन मैं उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यदि ऐसा होता है तो मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए, और कोई इशू नहीं है, आप उसको कैच कर लीजिए। मैं क्या टिक कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिए। प्लाटो डिड नॉट गिव द थ्योरी ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा गलत ही टिक करूंगा, ये मत सोचिए। प्लाटो डिड नॉट गिव द थ्योरी ऑफ, इसमें से देखिए, एजुकेशन का दिया, पोलिस का दिया, कम्युनिज्म का दिया, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी, कोई इक्वलिटी का उनका कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट वो फंक्शनल डिवीजन सोसाइटी का चाहते थे, और फंक्शनल डिवीजन में क्या होता है, सब अनइक्वल होंगे, मतलब कि जो प्रोड्यूसर क्लास है, गार्जियन क्लास है, इनइक्वलिटी से ही मतलब कि समाज बनता है। सब इक्वल नहीं हो सकता, सब बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इक्वलिटी उनका कोई प्लैंक नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जस्टिस और इक्वलिटी में आप फर्क समझिए, इनइक्वल होते हुए भी जस्टिस प्रिवेल कर सकता है समाज में, जो प्लाटो का था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आप देखेंगे तो फेडरल वर्ड नहीं है। ये एक बहुत अच्छा क्विज क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, बाकी सब वर्ड मेंशन है, फिर भी इंडिया जो है वो एक फेडरलिज्म को एक्सेप्ट करता है। यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। हु कॉल्ड इंडिया इज क्वाज़ाई फेडरल, चूंकि इसमें फेडरलिज्म बहुत ही हमारा स्क्यूड है, एसिमेट्रिक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, इसलिए केसी वेयर जिन्होंने काफी चीजें लिखा है इंडियन पॉलिटी पे, उन्होंने इसको क्वाज़ाई फेडरल कहा, ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन बन गया है। विच वन ऑफ द कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी ब्रिक्स के बैठक 23 जून के आसपास हुई थी, उसमें जो पांच मेंबर हैं, इसे नाम से आता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें रोमानिया कहां से आ गया, नहीं है। विच इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी कंसिडर स्टेट्स एज द मेन एक्टर एंड देयर परस्यूट ऑफ पावर एज स्टेट्स मेजर गोल, स्टेट पावर, बैलेंस ऑफ पावर भी कह लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब जो कोर थॉट हैं रियलिज्म के हैं, इवन नियो रियलिज्म भी कह सकते हैं। द टर्म लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम लाइबर विच इज अ वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जो सही मारा है मेरे स्टूडेंट जिन्होंने दिया है, लाइबर लैटिन से आती है। एटम फॉर पीस एक बहुत फेमस स्पीच था यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के एक प्रेसिडेंट का, कौन थे वो प्रेसिडेंट, ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइजनहॉवर ने दिया था, ये ड्वाइट, उनका पहला नाम सर ड्वाइट था, आप देख लीजिएगा, वो आइजनहॉवर ने दिया था, और उसी के बाद IAEA बना था, IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एक UN के साथ मिलकर काम करती है, पूरे वर्ल्ड में वॉच रखती है कि कहाँ पे न्यूक्लियर जो रिसोर्स है उसका पीसफुल यूज हो रहा है या मिलिट्री के लिए, इस पर थोड़ी बहुत इंस्पेक्शन भी करते हैं काफी चीजें। Which one of the schedule of the constitution given below deals with the recognized language? तो ये तो schedule 8 है, पता आपको 22 language उसमें है। Author जो है, functions of executive के author कौन है, Chester Bernard, ये सब आसान question है काफी। Lock view on state, ये अलग है, 15 पहले आ गया है, 8 इधर, इसे मत mind कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है copy paste के चलते। Locke's view on state or nature, ये क्वेश्चन जो है ये जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट पूरे साल भर, पिछले साल से जब से मैं बना रहा हूँ कर रहा है, यहाँ भी इसमें से मेरे अनुसार से जो मेरी अभी समझ है, इनफैक्ट मैंने इसमें थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे ये लगा कि ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इनफैक्ट लॉक का जो व्यू है उसको मेरे अनुसार से अभी जो मेरी समझ है, आप इस पर और रिसर्च कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन मार्क किया, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपके लिए टास्क एक और कीजिए, मेरे अनुसार से ये सोशल एंड प्री पॉलिटिकल है, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको आप सही कर लीजिए। बेसिकली लॉक का ये कहना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सोशल नहीं है, मतलब उनमें सोशल
कोहेरेंस है, आपस में लेन देन है। सोशल मतलब क्या होता है कि आप जो है दूसरे की नीड को पूरा करें, कोई आपके नीड को पूरा करे, आप उसकी जरूरत को समझें, आप उसके अनुसार ऐसा बिहेव करें। आदमी इस टाइप का जब रिलेशन बन जाता है सोसाइटी होता है। तो लॉ का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग एक दूसरे को नेचुरल लॉ से, रीजन से जो है एक दूसरे के को एकोमोडेट करते थे। थोड़ा इनकन्वीनियंट था क्योंकि हर कोई अपने ही केस और दूसरे केस में जज जूरी एजुकेशन बनने की कोशिश करता था, कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं था क्योंकि वो प्री पॉलिटिकल था, लेकिन प्री सोशल नहीं था। तो इसलिए इट वॉज सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। इसमें सभी सेटर भी गच्चा खाए हुए हैं, मेरे अनुसार से ये सही है। इस पर और रिसर्च कर लीजिए, सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। द ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन हुआ था 1919 में, और ये एक रीजन माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि इसने जर्मन नेशनलिज्म को इतना बुरी तरह से आहत किया था कि वहां फासिज्म का उदय हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें आप देखेंगे तो ICJ जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये उसका कोर 6 जो ऑर्गन है ना, चीफ ऑर्गन, वो एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जैसे जब वो चीफ ऑर्गन है तो वो स्पेशलाइज एजेंसी से बहुत ऊपर है। ये सब स्पेशलाइज एजेंसी हैं, बहुत सारे हैं, आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जो MDG थी ये 2000 से लेके 2015 के बीच में इंप्लीमेंट करना था, ये 8 गोल थे, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से प्रमोट डेमोक्रेसी कहीं नहीं दिखता है, बाकी सारे हैं पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, HIV, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल। और अब जो है वो SDG आ गया, उसके बाद SDG 2015 से लेके 2020 के बीच में है, और ये 17 है, 17 SDG है। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। क्वाड की अभी बैठक हुई थी, क्वाड जिसमें कि आपको पता है कि मोदी जी ने भाग लिया था, और वहां पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया गया। तो उसमें जो है 4 कंट्री में इंडिया, US के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान क्वाड का मेंबर नहीं है। थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर, ये बहुत अच्छा है। बैलेंस ऑफ टेरर जो है लेस्टर पियर्सन कहे जाते हैं कि उन्होंने क्वाइन किया, यदि कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, द बैलेंस ऑफ टेरर हैज सक्सीडेड बैलेंस ऑफ पावर। ये 10वीं जो वर्षगांठ थी यूनाइटेड नेशन की, उस दिन उन्होंने ये बात कही थी। तो बैलेंस ऑफ पावर हैज बीन रिप्लेस बाय बैलेंस ऑफ टेरर। बैलेंस ऑफ टेरर क्या है, जिसको कि मैड भी बोलते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब कि दो न्यूक्लियर पावर नेशन है तो आपस में कभी लड़ाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ टेरर हो गया, एक दूसरे पर अटैक करेगा, दूसरा करेगा, दोनों ध्वंस हो जाएंगे, दोनों म्यूचुअली डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर डिटरेंस को आप कह सकते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। निगेटिव लिबर्टी का मतलब जो, इसे आप बर्लिन ने कहा कि कोई जो एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेंट नहीं है, एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेंट नहीं है। सो विदाउट होगा लिबर्टी, विदाउट रिस्ट्रेंट। यस, हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद अकम्प्लिशमेंट टू डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। अब इस टाइप का बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको कैच करना, लेकिन यदि आपने बहुत गौर से तैयारी की है, जैसे कि ये आपको इग्नू के मटेरियल में मिल जाता है, सारे एक जगह हैं, वहां देख लीजिए। तो लथार गुलिक ने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हैं, ऑलवेज डिफिकल्ट होता है किसने क्या डेफिनेशन दिया। ये भी डिफिकल्ट है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एक ग्रांट को अप्रूव करती है, उसके बाद ही वो वोटिंग में लोकसभा में जाता है बजट के टाइम में, और उसको एक्सेस ग्रांट कहते हैं। इसके बारे में और नेट पे पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जरूरत नहीं है, एक्सेस ग्रांट याद कर लीजिए। हु हैज गिवन द थ्योरी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची। ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है, ऑफ्ट रिपीटेड है। रॉबर्ट माइकल इटली के आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची, उनका ये कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना भी डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकार हो, पब्लिक कॉरपोरेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेटली कुछ लोग मिलके जो है उस शासन उसमें करने लगते हैं, ऑलिगार्च हो जाते हैं वो। उसी उसकी यही परिणीति होती है, यही आउटकम होता है इसको, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची। आयरन लॉ मतलब क्या है कि आप उससे बच नहीं सकते हैं, अल्टीमेटली ऑलिगार्ची से आप बच नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी है लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे 4-5 लोग मिलकर शासन चला रहे हैं, तो वो ऑलिगार्च हो जाते हैं। Which political scientist applied system analysis to international relation? तो ये तो मॉडर्न का प्लान है, डेविड ईस्टन। जनरल जो सिस्टम अप्रोच कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में तो डेविड ईस्टन है, लेकिन मॉडर्न का प्लान जो, यहाँ जनरल सिस्टम थ्योरी जो लुडविग वॉन वर्टनफ्लाई लेके आए हैं, वो भी नाम याद रख लीजिएगा ऑस्ट्रिया के। Who has given class of civilization thesis? ये सब आप भूल नहीं सकते हैं। सैमुअल हटिंगटन ने बुक ही लिखा है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अब 21st सेंचुरी का जो वॉर होगा ना, वो बिटवीन नेशन नहीं होगा, बिटवीन कल्चर्स होगा। जब अलकायदा ने अटैक किया US पे, तो उनकी भविष्यवाणी सही जैसी होनी लगने लगी, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन।
अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्रिवेंशन ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीड टू डेमोक्रेसी, तो उनका ये कहना था कि पॉलिटी जो है, जो रूल ऑफ मेनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मेनी है, वो जब डिजेनरेट कर जाता है, रूल ऑफ मेनी इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू, मतलब ऑलिगार्च हो जाते हैं, तो वो परवर्ट हो जाता है डेमोक्रेसी में, मतलब कि परवर्ट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है एरिस्टोटल के अनुसार से पॉलिटी का. अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. मैंने अभी कहा इंडिया विच इज भारत, ऐसा लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. उससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का दूसरा नाम क्या कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, वो है भारत. और दो ही नाम से इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इंडिया एंड भारत. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना है ये, और बहुत सारे और ट्रिब्यूनल. वो 42वां अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसके तहत ये बनाया गया है. अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट. इसमें जो दोनों में डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट पे ही जो है रिट इशू कर सकता है, आप वहां जा सकते हैं डायरेक्टली, जबकि कोई भी आपका लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, इसलिए उसका दायरा बड़ा है. द टर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया है, रूल ऑफ लॉ से ही इक्वलिटी बिफोर लॉ आती है, और ये तो आपको एवी डाइसी आपको याद होना चाहिए रूल ऑफ लॉ, और इसलिए इंग्लैंड से हम लोगों ने इसको लिया है. अमेरिका से जो इससे स्टूडेंट ने मेरे टिक मारा है वहां से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू ये सब लिया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलोसिफिक कैलकुलस, ये तो एक वर्ड जो है फेलोसिफिक आपको बंप कर सकता है. फेलोसिफिक मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है, खुशी, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, ये यूटिलिटेरियन थॉट है, और इसको बेंथम लेकर के आएंगे, यूटिलिटेरियनिज्म से वही जुड़े हुए हैं. और फेलोसिफिक कैलकुलस को एब्सर्ड कहा था मिल ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलोसिफिक कैलकुलस इज एब्सर्ड, तो ये जेएस मिल ने कहा था. फॉर कौन, नागर्नो काराबाख जो है ये तो गूंजता रहता है हमेशा पिछले 20-25 सालों से, ये जो है अजरबैजान और आर्मेनिया इस पे लड़ रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा, मतलब इस पे एक दो लाइन देख लीजिए. Which of the following is a constitutional body? Constitutional body वो होता है, ये जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको PGET में, वो जिसका कि जिक्र constitution किसी आर्टिकल में मिले. यदि नहीं है तो फिर देखिए कि क्या किसी एक्ट के तहत वो बना है, यदि नहीं तो इसका मतलब ना तो वो constitutional body है ना statutory body है. statutory body मतलब किसी statute या act से बना है, जैसे planning commission, जैसे नीति आयोग, वो ना तो constitutional body है ना statutory body है, वो simple एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन से बनी हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनी हुई है. अब इसमें देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है. ये आर्टिकल देख लीजिएगा, शायद 340 है या देख लीजिएगा कौन सा आर्टिकल है, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ. ये सब सब स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सब सब स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से बनी हुई है. Who said state is a march of God on earth? इस स्टेटमेंट को आप बिना याद किए हुए समझ जाइए, ये सब मतलब ऐसा सेमिनल स्टेटमेंट है हेगल का कि हर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को ये सब एटलीस्ट याद होना चाहिए. Who among the following is a communitarian? जो चार communitarian है ना, माइकल सैंडल है, वॉल्जर है, और दो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, एलिस्टेडर मैकलेंचेर है, एंड चौथे जो है और देख लीजिएगा चार्ल्स टेलर है. वो चार को तो जरूर याद कीजिए. और यहाँ पे सैला बहन हैबीब है, यदि आप कंफ्यूज भी हैं तब भी देखिए, जब दो सही है तो तीसरा इसलिए सही होगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो ये कैसे छूट सकता है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा. तो आप बिना जाने भी सैला बहन हबीब को आप मार सकते हैं कि कम्युनिटेरियन, और एक्चुअली वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और बहुत सारा उन्होंने कम्युनिटेरियनिज्म पे लिखा है. इससे एक और टिप्स मैं दे रहा हूँ, देखिए सी को मैंने टिप नहीं मारा, ये डी को मारा है, यहाँ पे कुछ पेन में गड़बड़ हो रही है. ऑल ऑफ द एवब है, ऑल ऑफ द एवब जनरली करेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा. मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि ऑल ऑफ द एवब ऑप्शन ही जनरली सही होता है. क्रेडो ऑफ रिलेवेंस एंड एक्शन इज एसोसिएटेड विद पोस्ट बिहेवियरलिज्म. यहाँ पे 7 जो क्रेडो रिलेवेंस पोस्ट बिहेवियरलिज्म का ईस्टन ने दिया है, डेविड ईस्टन, वही जो सिस्टम अप्रोच लेके आया था, वो जरूर रख लीजिए, ये पूछा जाता है थोड़ा डीप क्वेश्चन में यूजीसी नेट में. इन द इंडियन फेडरल सिस्टम रेसिडुअरी पावर किसके पास, पहले समझिए रेसिडुअरी पावर क्या होता है. तीन लिस्ट है, सेंटर, यूनियन कहते हैं, स्टेट एंड कंकरेंट. अब कोई आइटम यदि तीनों में ना हो तो कहाँ जाएगा, उसको रेसिडुअरी पावर बोलते हैं. जो नो मैंस लैंड में फॉल करता है वो यूनियन पार्लियामेंट उस पर एक्ट बना सकती है, यूनियन के पास है, क्योंकि हमारा फेडरलिज्म यूनियन की तरफ झुका हुआ है. आर्टिकल 51A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है फंडामेंटल ड्यूटी, ये घुसाई गई थी 42nd अमेंडमेंट से. 42nd अमेंडमेंट को जरूर याद कीजिएगा, तीन वर्ड भी इससे घुसाया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी.
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी आपने देखा, राष्ट्रपति के हाथ पांव भी उससे बांधे गए थे कि वो एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इतने सारे चेंज इंदिरा गांधी ने किए थे। इसके 90% से अधिक चेंज को पलट दिया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 में जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कुछ अमेंडमेंट उसके बाद भी रह गए हैं जो उनको लगा कि रहना चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट के हाथ पांव अभी भी बंधे हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अभी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी अभी भी है। उसमें इनफैक्ट ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट से 11वां जो राइट सॉरी ड्यूटी था उसको भी ऐड किया गया, पेरेंट्स की ड्यूटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन की, वो 6 से 14 साल के बच्चों को भेजें। मुझे आशा है कि मेरी इन सब बकबक को आप ध्यान से सुन रहे होंगे, केवल ये टिक मारने को नहीं देख रहे होंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बिकम ए वेरी कॉमनली यूज फ्रेज, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है जो है सेकंड में लिखा गया है कि कोर्ट हैज स्टार्टेड इंटरवीनिंग व्हेन एग्जीक्यूटिव फेल टू डू इट्स ड्यूटी एज पर द रूल ऑफ लॉ। जो आपको करना चाहिए कानून के अनुसार यदि आप नहीं करते हैं या उसका अब्यूज करते हैं तो कोर्ट इंटरवीन करेगा मंडमस, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म को जन्म देता है। एंटोनियो ग्रेमस्की, आपको पता है उन्होंने कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि जो डोमिनेंस जो होता है या पावर का जो रूप है वो मतलब कि केवल कोअर्सन या फोर्स नहीं है, वो मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट भी है जो आप आइडियोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, जिसमें कि जिस पर आप डोमिनेट कर रहे हैं वो खुशी खुशी अपनी आपकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करता है, ये सोचते हुए कि यही नॉर्मल है, यही उसका फेट है, यही अच्छा है। हेजेमनी याद रखिएगा। लेसेज फेयर का मतलब ये फ्रेंच वर्ड है लेसे फेयर, इसका मतलब ये होता है कि कोई इंटरवीन नहीं करता है, स्टेट जो है इकोनॉमिक मैटर से दूर रहता है, विथड्रॉल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, तो आप स्टेट कुछ नहीं करेगा तो मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगा, कंट्रोल से दूर हटना। What is the main role of the World Bank? वो development के लिए assist करता है, developmental project, चाहे वो गरीबी, भूखमरी, energy, security, sustainable development, पानी, इन सब के लिए हो, उसको loan देता है, private and public दोनों, लेकिन government की guarantee जैसा कुछ चाहिए होता है। यहीं पे IMF का भी role समझ लीजिए, उसका primary role है दो, एक तो exchange rate stability जो कि अब खत्म हो गया है क्योंकि floating rate है, सब open है, दूसरा ये है कि कोई भी country फिर भी अभी किसी को यदि फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम जैसे श्रीलंका को हो गई तो IMF पिक्चर में आता है, और वो शॉर्ट टर्म लोन दे करके यदि कोई क्राइसिस में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, तो उसको टाइड ओवर करने की कोशिश करता है IMF। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेन करता है राइट टू सॉरी एक्सप्लेन क्या वर्ड है राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस आर्टिकल को अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि इसके बगैर जो है फंडामेंटल राइट का कोई मायने नहीं है। इसी के तहत आप रिट पिटीशन दायर करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में यदि आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होती है। बिहेवियरलिस्ट अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस में लाया गया था 1950s में, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, वो हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, फॉर्मल अप्रोच के अगेंस्ट लाया गया था। अगेन मैं जो बोलता हूँ ऑल ऑफ द अबव ही सही होती है। लीगल थ्योरी ऑफ राइट ये कहता है, जो बेंथम कहते हैं उसके बड़े समर्थक थे, कि राइट कुछ भी नहीं है, केवल जो स्टेट देता है वही राइट है। नेचुरल राइट को उन्होंने नॉनसेंस ऑन द स्टिल्ट कहा था, याद रखिएगा। मैनिपुलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री, जैसे ही इस वर्ड को सुने उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जेरी मैंडरिंग, इसको याद कर लीजिए। हु वॉज द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे इनको याद कीजिए, ये टेम्प्रोरी थे जब तक राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये बड़ा क्विज क्वेश्चन, ये कठिन क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पेन ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं सी को टिक मार रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सी यहाँ लिख भी देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन डी पे ज्यादा गौर कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who said ideology and terror are twin weapon of totalitarianism? तो इन्होंने ऐसे ही लिखा था, ideology and terror, a novel form of government, Hannah Arendt ने। Hannah Arendt ने बुक भी totalitarianism पे लिखा है। Hannah Arendt को जूस थी, भाग करके अमेरिका गई थी, तो totalitarian उन्होंने देखा हुआ था। इन्होंने revolution और totalitarian पे लिखा है। इसके अलावा Hannah Arendt का power का जो definition है, power is co-creation, मिल के कुछ करने से, speech communication के through, जब group में कुछ co-create किया था उसको power कहते हैं, बड़ा famous definition है। Which statement is correct about criteria for recognition of national party? ये बड़ा confusing मुझे भी लगता है, इसके 3-4 criteria हैं, लेकिन यहाँ पे जो criteria सही है वो C है। इसको पढ़ लीजिएगा नेट पे जा करके कि दो तरह के पार्टी, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या और स्टेट पार्टी का, वो तो और ज्यादा कन्फ्यूजिंग, लेकिन थोड़ा वो रख लीजिए। सांथानम कमिटी रिलेट करती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, 1962 में बनी थी, और इसी कमिटी के रिकमेंडेशन पे 1964 में CVC का जो है गठन किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बार बार पूछा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसने कहा था? ये ग्लैडन ने कहा था। बड़ा डिफिकल्ट और अरबी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आपको ये इग्नू के मटेरियल में मिलता है। हायरार्की इज ए मेथड वेयर बाय द एफर्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर गियर टुगेदर, ये किसने कहा था?
तो ये जो है जॉन डे मिलेट ने कहा था, अगेन ये बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन ये सब है क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट है। अगेन ये मतलब इग्नू के मटेरियल मिलता है, राइट्स आर इम्बॉडीमेंट ऑफ इथिकल आइडिया, ये किसने कहा, ये भी अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये स्लाइड ही पूरा डिफिकल्ट का है, इसमें आप कंफ्यूज करेंगे कहीं ग्रीन ने कहा जो इस स्टूडेंट ने किया, लेकिन एक्चुअली ग्रीन के चेले या स्टूडेंट बोसैनक्वेट ने कहा था, वो भी इंग्लिश आइडियलिज्म के बड़े ही समर्थक है, मोरल आइडियलिज्म, ग्रीन, बोसैनक्वेट, बर्कर, ये सब तीनों, बर्कर एंड बोसैनक्वेट दोनों ही जो स्टूडेंट थे ग्रीन के। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी को क्राइम बनाता है। इस पेयर में देखिएगा तो सब सही है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्वाइट वाल्डो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वेडनर, ये सब अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फ्रेडरिक्स कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये चूंकि ऑड वन आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ स्टेट, यहाँ पर आर्टिकल 12 को पढ़े बगैर आगे मत बढ़िएगा, सभी स्टेट है इसमें, पार्लियामेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सभी। अगेन देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है इसमें कि ऑल ऑफ द एवब जो है सही है, ध्यान दीजिएगा ऑल ऑफ द एवब जनरली सही होता है। फेमस फ्रेज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वॉन्ट, ये फोर फ्रीडम स्पीच दिया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, वहां पे होती है राष्ट्रपति करते हैं बहुत फेमस, उसमें उन्होंने दिया था, याद कर लीजिए। मेजर आर्गुमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म कांत वॉल्ज का ये है कि स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टर से, यही मेन है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। ह्यूमन नेचर से अलग हट गए थे ये लोग। CTBT का मतलब होता है कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया, NPT को भी साइन नहीं किया, याद रखिएगा। पंसील एग्रीमेंट जो है इंडिया चाइना के ही बीच में नहीं हुआ था, चाइना और बर्मा के बीच में भी हुआ था, उसको अभी म्यांमार बोलते हैं, वो तो यहाँ दिया नहीं है, वो टफ क्वेश्चन हो जाएगा, तीन कंट्रीज इन्वॉल्व थे। गैंग प्लैंक जो है मैंने बहुत बार समझाया है, हेनरी फयोल ने दिया था कि टेम्प्रोरी जो है दो डिवीजन के जब मैनेजर पैरेलल लेवल पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इस रूट से नहीं जाते हैं जो नॉर्मल हायरार्की है, टेम्प्रोरी हायरार्की को ब्रेक करते हैं क्योंकि अर्जेंट काम करना होता है, इसको लेवल जंपिंग आप कह सकते हैं, सो गैंग प्लैंक कहते हैं, ये हायरार्की का एक पार्ट है, नहीं तो अदरवाइज हायरार्की ऐसे होगी, दो डिवीजन है, यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर ऐसे डाउन कम्युनिकेशन होगी। हेनरी फयोल, द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया, ये सब बहुत ही लड्डू टाइप के क्वेश्चन है। हु सेड नेशन इज ए नेशनलिटी विच हैज ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ इनटू ए पॉलिटिकल बॉडी डिजायरिंग टू बी इंडिपेंडेंट, बहुत डिफिकल्ट इस है, कौन कहा, ये ऑलवेज डिफिकल्ट, जब तक कि ऐसा ना हो कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ जैसे टाइप का फेमस स्टेटमेंट। तो ये कहने वाले जो है ये बर्कर है, अब देखिए बर्कर बोसैनक्वेट दोनों पूछ दिया गया जो ग्रीन के चेले थे। इन हिज फिलोसफी प्लेटो हैज एसोसिएटेड जस्टिस विद फंक्शनलिज्म, आपने देखा फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, उसी को कहते हैं कि हर आदमी को वो काम जो दिया गया उसको आत्मा की प्योरिटी से करना, सर झुका के, यही जस्टिस है, यही न्याय है, ये मतलब फंक्शनलिज्म है, जैसे कास्ट सिस्टम था उसी टाइप का, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है क्योंकि वो ओपन था, उनका एजुकेशन मेरिट पे बेस्ड था, ये क्लोज हो जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन में है, ह्यूमन राइट पे काम करती है। द रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी हाई कोर्ट फॉर क्वासिंग द ऑर्डर, मतलब लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वास करने के लिए कि आपने जो है गलत ले लिया ऑर्डर, ये मेरे अनुसार से सर्टियरी है। प्रोविजन तो रोक देना होता है कि आप इस पे एक्शन ही मत लीजिए, हम लेंगे। एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है बी आर अम्बेडकर ने लिखा है इसको, एनालिसिस ऑफ कास्ट एक एसे है। बर्टलैंड कमीशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 1987 में बनी थी, नॉर्वे की बर्टलैंड, मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है सी वॉज ए वुमेन और नॉर्वे की डिप्लोमैट थी, उनके अध्यक्षता में जो है बर्टलैंड कमीशन बनाई गई थी, जिसने की एक बुक पब्लिश किया था आवर कॉमन फ्यूचर, उसी के बेसिस पे 1992 में रियो समिट हुआ था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में गूंजने लगा था। पैक्स अमेरिकाना का मतलब होता है कि अमेरिका के थ्रू पूरे वर्ल्ड में जो पीस पसर गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक चौधरी गांव का हेजमन ग्लोबल, वो भी उसके थ्रू पीस। वेयर डू वी फाइंड मेंशन इन द मेलियन डायलॉग, मेलियन डायलॉग थियोसिडाइडस का पेलोपोनेसियन वॉर के बीच में जो है, मेलियन डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल रियलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। एक छोटा सा आइलैंड मेलिन या मेलिना है जो कैसे बेचारा फंस जाता है दो एथेंस और स्पार्टा के बीच में, और उस बेचारे को कुछ होता नहीं है, मतलब उसको खा जाया जाता है। Who defined law as the command of the sovereign backed by the sanctions? ये जॉन ऑस्टिन का बहुत फेमस कथन है। ये सब ऑर्बिट क्वेश्चन नहीं है। रोम स्टैट्यूट जो है जिसको इंडिया ने नहीं साइन किया है, ये इससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनी है 2002 में, इसका डेट भी पूछा जाता है, जबकि ये स्टैट्यूट 1998 में ही साइन हुई थी। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, इसकी हेडक्वार्टर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हेग में है नीदरलैंड में, वहीं पे जहां ICJ का हेडक्वार्टर है, जो अभी आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का एक ही बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का नाम है पीस पैलेस इन हेग।
अब्राहम एकॉर्ड जो है किसके किसके बीच में हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट ने ब्रोकर किया 2020 में हुआ, यूएई और इसराइल के बीच में, बाद में बहरीन और मोरक्को ने भी उसको साइन किया है, मतलब ज्वाइन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब्राहम एकॉर्ड, बहुत दिन बाद किसी अरब और इसराइल। एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा बहुत अच्छा था, जिसमें ये पूछा गया था पहला अरबियन कंट्री जिसने इसराइल के साथ एकॉर्ड किया था, वो था इजिप्ट, कैंप डेविड में वो एकॉर्ड हुई थी 1979, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अगस्त 1920 में लॉन्च हुआ था। सो डियर स्टूडेंट, सॉरी कि मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में पेंडिंग था और इसको मैं बहुत हड़बड़ी में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी बातें आपको बताई है। और एक बार फिर से मैं बोलूंगा, मेरे टिक मारने में मत जाइए, आई होप कि मैंने कोई इसमें एरर नहीं किया इस बार, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ, लेस इंपॉर्टेंट है मैं किस पे टिक मारता हूँ। वैसे फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सोचिएगा सर जो है गलत ही, मैंने ये देखा कि 100 में 1 आध कहीं कहीं गलत हुआ और स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया, इसलिए आपको एक डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अपने फाइनल मंथ में है, लेकिन आपको कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपको सारे टेस्ट पेपर जो अभी तक करीब 14 दिए गए हैं वो आपको मिल जाते हैं, और अभी उसमें 8 से 10 टेस्ट पेपर और दिए जाएंगे। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे डायरेक्शन में, CUET और UGC नेट के लिए बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, तो आप मेल में अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर भेजें, आपको गाइड की जाएगी, नॉमिनल कॉस्ट पे ये अवेलेबल है। और इस तरह से आप मुझको मेल लिख सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करता हूँ आपके मेल का जवाब देने की, या किसी भी तरीके से जो आप इवन मेरे साइट पे जाके आप मैसेज देते हैं उसकी जो है। सो अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, बहुत जल्द MU के और 4 पेपर लेकर के मिलेंगे बिफोर द एग्जाम। बाय।